मुसाफिर मुकाम तक न पहुंचा तो क्या, जो मिला वो भी कुछ कम न था। नमस्कार, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 4 में हम लोग वेटेस्ट ऑन ब्रिज और उससे संबंधित न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। वेटेस्ट ऑन ब्रिज बेसिकली एक एक्यूरेट अरेंजमेंट है जो अननोन रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट करने के काम आता है। इसको सर चार्ल्स वेटस्टोन ने डिजाइन किया था और इसका दूसरा नाम पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी है। इसमें बेसिकली चार रेजिस्टेंसेस पी क्यू आर एक्स, जहां एक्स अननोन रेजिस्टेंस है, क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में अरेंज होते हैं, जैसा कि आप सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं। चार रेजिस्टेंसेस पी क्यू आर और एक्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा। ये मिडिल वाले टर्मिनल को एक गैल्वेनोमीटर से विद द हेल्प ऑफ टेपिंग की ज्वाइन कर देंगे और यही इसका ब्रिज बनाएगा। इस गैल्वेनोमीटर से अगर हम करंट आई जी अज्यूम कर लें तो कंडीशन अगर आई जी जीरो हो जाए, दिस इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन ऑफ वेटस्टोन ब्रिज। अगर आप इस सेल से करंट सप्लाई को आई मान लें तो उसका एक पार्ट करंट आई वन इधर चला जाएगा पी की तरफ और जो बचा हुआ पार्ट है वो आई माइनस आई वन आर की तरफ जाएगा। फिर से करंट ऑलरेडी आई जी मान लिया है तो उनके तरफ से जो करंट जाएगा वो आपको आई वन माइनस आई जी जाएगा। अब देखिए, गैल्वेनोमीटर की तरफ से आई जी करंट आ रहा है और आर की तरफ से आई माइनस आई वन करंट आ रहा है, तो इधर दोनों मिलकर के I माइनस आई वन प्लस आई जी बन के चला जाएगा। और फिर इस एंड पे अगर आप जोड़ लें करंट, तो करंट जोड़ने के बाद से फिर आपको आई जी मिलेगा। आप चेक कर लें, जितना करंट इन किया था उतना ही करंट एग्जिट कर गया है। अब बैलेंस कंडीशन को डिराइव करने के लिए हम फिर से किरचॉफ्स लॉ का ही हेल्प लेंगे और हमको किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने के लिए मेष सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यूजिंग KVL इन मेस, नाम कोई भी दे दें, जैसे यहां पर मैं नाम दे देता हूं A, B, C और D। तो A, B, D, A में आप लिखेंगे क्या, V, A, B प्लस V, B, D प्लस V, D, A। A से A आ गए, मेस क्लोज हो गया, दैट इज इक्वल टू जीरो। A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस I1 into B, B and D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, आप गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को RG अज्यूम कर लें तो IG into RG, और D और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप I minus I1 into R is equal to 0 ले सकते हैं। इसके बाद आपको साइन कन्वेंशन यूज करना होगा और साइन कन्वेंशन में करंट के अलोंग नेगेटिव और करंट के अगेंस्ट पॉजिटिव। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लें। अगेन आपको केवीएल यूज करना पड़ेगा, आपको एक दूसरा मेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा मेस हमने बी सी डी बी ले लिया और यहां पर बी बी सी प्लस डी सी डी प्लस बी डी बी इज इक्वल टू 0, सबके कोरस्पॉन्डिंग में पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए और अब साइन कन्वेंशन दे दीजिए। करंट के अलोंग नेगेटिव, करंट के अगेंस्ट पॉजिटिव, करंट के अगेंस्ट पॉजिटिव, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इसके बाद अंडर बैलेंस कंडीशन, जैसा बताया गया है अंडर बैलेंस्ड कंडीशन क्या है, आई जी इज इक्वल टू 0। आई जी इक्वल टू 0 इक्वेशन हमने पुट कीजिए, आपको मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1, चेक करके देख सकते हैं, आई वन इंटू पी इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर, इक्वेशन 3 मान लीजिए। और अगर आप फ्रॉम इक्वेशन 2 की बात करेंगे तो आपको यहां मिलेगा आई वन इंटू क्यू इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू एक्स, इक्वेशन 4। नाउ इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 4 से और डिवाइड करने के बाद से आपके पास जो रिजल्ट आएगा ये p by q is equal to r by x।
इसी को बैलेंस कंडीशन कहते हैं। बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से होकर के कोई करंट नहीं जाएगा, और गैल्वेनोमीटर से अगर कोई करंट नहीं जाएगा तो इस सर्किट के लिए ये ब्रांच का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा, इसको हम हटा देंगे। और हटाने के बाद से अब जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी और क्यू, गैल्वेनोमीटर का करंट नहीं था इसलिए सेम करंट पास हो रहा है, और सेम करंट पास हो रहा है मतलब सीरीज में है, यहां पर पी प्लस क्यू हो जाएगा। नीचे भी आपको गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं हो रहा है मतलब आई माइनस आई वन करंट नीचे वाले पार्ट से ही पास हो रहा है, इसका मतलब ये आर और एक्स सीरीज में हो जाएगा, सीरीज में आर प्लस एक्स लिख लेंगे। दोनों क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर देखें तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जनरली पैरेलल में क्या होता है बिकॉज दोनों पैरेलल में है, आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू, यहां पर पुट कर लें तो पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस एक्स बाय पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एक्स, बड़ी आसानी से रिजल्ट आएंगे अगर ये बैलेंस हो गया तो। इतने में व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा नजर ना आए लेकिन है व्हीटस्टोन ब्रिज ही। अब इसको कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एक काम कर लें, नेमिंग कर लें और फिर देखें कि ये इसी सर्किट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसको एक हम रेजिस्टेंसेस एज्यूम कर लेते हैं, और एज्यूम करने के बाद से अब बात करें इसको अगर फिर से रीड्रॉ करेंगे तो रीड्रॉ करने के बाद से आपको जो सर्किट मिलेगा वो देख लें। बी और डी को हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस आपको जो दिख रहा है वो जी दिख रहा है, उसको नोट कर लिया। एक साइड हमने ए ले लिया, दूसरे साइड हमने सी ले लिया। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस आपको दिखेगा बी है, ए और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस आपको दिखेगा वो आर है, बी और सी के बीच का रेजिस्टेंस क्यू, एंड डी और सी के बीच का रेजिस्टेंस एक्स। एग्जैक्टली यही सर्किट आ गया जो आप देख रहे थे। ओके, सो ये भी एक तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। अक्सर इसमें क्वेश्चन देता है ये, तो ऐसे केस में सभी वैल्यूज को रिप्लेस कर लीजिए, ये भी टू ये भी टू, एंड रेजिस्टेंस आपको ए और सी के बीच में फाइंड आउट करना है। ऑब्वियस है अगर 2/2 करें दैट इज पी बाई क्यू, और यहां पर टू बाय टू करें दैट इज आर बाय एक्स, दोनों इक्वल है बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसलिए यहां से ये रेजिस्टेंस हटाना होगा, वहां से कोई करंट नहीं जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ऊपर का दोनों सीरीज नीचे का दोनों सीरीज दोनों मिलकर के एक हो जाएगा, और एक जो होगा वो आपको ऊपर चारों नीचे भी चारों फाइंड करें तो आर वन इंटू आर टू बाय आर वन प्लस आर टू दैट इज इक्वल टू टू ओम आ जाएगा। एक और फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है, इनफैक्ट एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 3 वोल्ट बैटरी से कितना करंट ड्रॉ होगा ये फाइंड आउट करना है आपको। देखने में आपको व्हीटस्टोन ब्रिज वाला स्ट्रक्चर नहीं दिखा, बट थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे तो कुछ आपको नजर आएगा। जैसे कि करना क्या है, इस दोनों को पहले भूल जाइए, और भूलने के बाद ये जो एंड है इसको पुल करके नीचे ले आइए, ये एंड जो है इसको पुल करके नीचे ले आइए, और ये 5 ओम वाला रेजिस्टेंस भी थोड़ा नीचे इसको ला करके ज्वाइन कर दीजिए, ये भी 5 ओम वाला चूंकि वायर है कहीं भी ज्वाइन करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ला करके यहाँ ज्वाइन कर दीजिए। और ज्वाइन करने के बाद अब स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। और इस व्हीटस्टोन ब्रिज में आप देखिए
p by q is equal to r by x आ रहा है, मतलब ये वैलेंस कंडीशन वाला है। वापस फिर से सर्किट में चलते हैं, जो ओरिजिनल सर्किट था आपको वो बना देते हैं और फिर क्वेश्चन की डीलिंग स्टार्ट करते हैं। बिकॉज ये वेटस्टोन ब्रिज बन गया था और ये बैलेंस था, इस सेगमेंट को आपको हटा देना होगा, इस सेगमेंट को हटा देना होगा। इस सेगमेंट को अगर हटा देंगे तब अब आपका सर्किट जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ऊपर 5 और 5 ये सीरीज में है, नीचे 5 और 5 सीरीज में है और एक और 5 ओम का लगा हुआ है। तो सेल के साथ जो कनेक्शन होगा वो कनेक्शन बेसिकली इसका एक कोवेलेंट सर्किट होगा। अब आपको ये जो रेजिस्टेंसेस हैं 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पैरेलल में है 1 बाय आर 1 प्लस 1 बाय आर 2 प्लस 1 बाय आर 3 जो कि कैलकुलेट करने पे 4 बाय 10 आएंगे। अब यहीं तक रहने दें। फर्दर इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा वो सिंगल रेजिस्टेंस बन गया, वो भी कितने का, आर इक्विवेलेंट का, और इसे एक सेल लगा हुआ है 3 वोल्ट का। I is equal to V by R equivalent V3 और 1 by R equivalent 4 by 10 था, इसको सॉल्व कर देंगे तो 12 by 10 that is equal to 1.2 ampere आंसर आ गया। इन क्वेश्चंस में एक खासियत थी कि अभी तक वेटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जा रहा था। अब बात ये होगी जब वेटस्टोन ब्रिज बैलेंस ना हो तब क्या। जैसे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप ध्यान दें, अगर हम पी बाय क्यू इक्वल टू आर बाय एक्स करेंगे तो बैलेंस नहीं होगा, एक 10 बाय 5 हो रहा है, दूसरा 5 बाय 10 आ रहा है। अब अगर आप जैसे पहले गैल्वेनोमीटर को ओमिट कर दे रहे थे, यहां पर इस 5 ओम को रिमूव नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति में आप बैलेंस कंडीशन ऑफ वेटस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आपको वापस किरचॉफ्स लॉ की तरफ जाना पड़ेगा। ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लें, सपोज कर लें यहां से I1 करंट जा रहा है, उसका एक पार्ट करंट I2 इधर चला गया, इधर से जाने वाला करंट I1 माइनस I2 होगा। इस ब्रांच से I3 मान लें, चूंकि वेरिएबल मानना है इसीलिए वेरिएबल के नंबर हमको क्लियर हो जाएंगे। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर I2 माइनस I3 करंट जाएगा एंड इधर से I3 आ रहा है, इधर से I1 माइनस I2 आ रहा है, दोनों मिलकर के इस तरफ चला जाएगा और फिर इस ब्रांच में करंट सम कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि वाई जितना करंट इन किया उतना ही एग्जिट कर रहा है। तो जितना करंट इन किया उतना ही एग्जिट आएगी केवीएल यूज करने की। तो मेस सिलेक्ट करना पड़ेगा यूजिंग केवीएल इन मेस, नाम दे दे नंबर दे दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखना शुरू कीजिए 10 I2 5 I3 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। पहला करंट के डायरेक्शन में चले थे नेगेटिव, दूसरा भी करंट के डायरेक्शन में चले थे नेगेटिव, और तीसरा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चले थे इसलिए पॉजिटिव। इसको अगर अरेंज कर लेंगे, अगेन आपको मेस चूज करना पड़ेगा I2 माइनस I3 इंटू 5 10 I1 माइनस I2 प्लस I3 एंड D से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस 5 I3 इज इक्वल टू 0। साइन करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव, अपोजिट विद करंट पॉजिटिव ले लीजिए। अगेन आपको एक मेस लेना पड़ेगा, अगर ये मेस हम A B C D और A लेते हैं फिर से उसका राइट हैंड साइड 0 आएगा, और अगर तीनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड 0 है तो I1 I2 I3 तीनों 0 आ जाएगा। इसीलिए
जब भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक जो करंट को सप्लाई कर रहा है उस सेल को कंसिडरेशन में लेना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए हम यहाँ पर अब जो ब्रांच चूज करेंगे वो ब्रांच आपके पास, चल एक इसको ई पॉइंट मान लेते हैं, यूजी माइनस 10 आई टू माइनस 5 आई टू माइनस आई थ्री प्लस 10 साइन कन्वेंशन के अनुसार और माइनस 10 आई वन इज इक्वल टू 0। अब बात आई सॉल्व करने की, तो सॉल्व करने में सबसे पहले इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस कीजिए। जब आप इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा आई वन प्लस 6 आई टू इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। अभी इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से और ऐड कर लीजिए, तब आपके पास 6 आई वन माइनस 15 आई टू इज इक्वल टू 0 आएगा, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अभी आई वन या आई टू का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इक्वेशन 4 को 6 से मल्टीप्लाई करके और माइनस इक्वेशन 5 कर लीजिए, करके देखेंगे तो आपके पास I2 इज इक्वल टू 4/17 एम्पियर आ जाएगा। इस I2 का वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट कर लीजिए तो आपको I1 का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 10/17 एम्पियर, और इसी को पुट कर लीजिए I1 and I2 इन इक्वेशन 1 में, तो 1 में I3 इज इक्वल टू आपके पास जो आएगा वो आएगा 2/17 एम्पियर। आंसर चेक कर सकते हैं। इस तरह से आपको मैंने बताया कि वेटेस्टल ब्रिज अगर बैलेंस हो तब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा, और अगर वेटेस्टल ब्रिज बैलेंस नहीं हो तो वापस हम लोग को किरचॉप्स लो जा करके सॉल्व करना पड़ेगा। थैंक यू।